हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। आप सभी को पता है बजाज फाइनेंस में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है और बजाज फाइनेंस का नेक्स्ट टारगेट जो है बहुत जनों ने बताया कि 1600 रुपये तक जा सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपने अगर स्टॉक को बाय करके रखा है तो उसको सेल करके एग्जिट हो जाए, या फिर लॉस बुकिंग कर लें, या फिर अभी सस्ते में मिल रहा है आपको स्टॉक तो आप लोग उसको बाय करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो सारे सॉल्यूशन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। बजाज फाइनेंस में करेक्शन क्यों आ रहा है सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंपनी क्या करती है, और चार्ट पर देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है और आपको क्या करना है। अगर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बजाज फाइनेंस कंपनी के बारे में। तो बजाज फाइनेंस कंपनी करती क्या है? तो आप सभी को पता है बजाज फाइनेंस कंपनी करती है लोन देने का काम, ठीक है। और जनरली आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह खरीदते होंगे, मोबाइल्स वगैरह जो भी खरीदते होंगे, उसका जो ईएमआई पे करते हैं आप लगभग लगभग देखें मोस्टली पीपल जो है बजाज फाइनेंस के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस का सीधा सा नाम में ही है, फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, फाइनेंसिंग का काम करती है, फाइनेंस देने का काम करती है, और जो भी इंटरेस्ट मिलता है उससे इनकी इनकम होती है। अब आरबीआई ने बोला है कि 3 महीने तक, 3 मंथ तक आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते ईएमआई देने के लिए। तो 3 महीने तक अगर ईएमआई नहीं आएगी तो बजाज फाइनेंस का क्या होने वाला है? कैश फ्लो जो है वो रुकने वाला है, जिससे इनके रेवेन्यू पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। इसके कारण बजाज फाइनेंस में लगातार गिरावट आ रही है। और अभी आपने अगर 4-5 दिन से देखा होगा तो कोरोना के केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, ठीक है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं जिसके कारण लोगों में और भी डर हो गया है कि और भी अगर इसको 3 महीने को बढ़ाकर और भी टाइम बढ़ा दिया जाएगा तो बजाज फाइनेंस बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा। तो जिसके कारण, फियर के कारण भी लोग बेचकर निकल रहे हैं और बजाज फाइनेंस में इसलिए करेक्शन आ रहा है। तो ये वैलिड रीजन है बजाज फाइनेंस का कि इसलिए करेक्शन हो रहा है। अब हम देखते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पैरामीटर्स, देखते हैं कि किस तरीके की कंपनी है, पास्ट में किस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, और उसके बाद चलते हैं चार्ट पर। तो सबसे पहले अगर आप देखें बजाज फाइनेंस का वन डे पे अगर मैं बताऊं आपको, तो देखिए 9% डाउन है। और बजाज फाइनेंस लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी एक दिन में 9% के गिरावट दिखा है, तो आप समझ जाइएगा कि बहुत बड़ा अगर रीजन है उस गिरावट के पीछे का। वन वीक में भी अगर मैं बात करूं इस स्टॉक की, तो आप देखिए 1 वीक में 14% नीचे गिरा है ये स्टॉक। 1 मंथ में अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग देखें तो अगर इसको 20% कंसिडर कर सकते हैं, 20% नीचे गिरा है। और 1 ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 35% माइनस में हो चुका है। जो स्टॉक आपको 5 साल में 394% का रिटर्न दे रहा था, आप देखिए 1 साल पहले भी जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है केवल इन 2 महीनों के कारण उसका लॉस हो गया है और पोर्टफोलियो अच्छा खासा डाउन है बजाज फाइनेंस की वजह से। तो अब आप लोगों को क्या करना है, और 3 महीने में तो ये 50% से भी ऊपर का नेगेटिव रिटर्न है इसमें। तो इस तरीके की सिचुएशन में अब बहुत से लोग बोलेंगे आपको एग्जिट हो जाना है, बहुत से लोग, और आपके भी मन में आ रहा होगा कि हमारा 50% पैसा डाउन हो चुका है तो इस स्टॉक से एग्जिट हो जाना चाहिए। उससे पहले मैं आपको इसके कुछ फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो फाइनेंशियल्स में सबसे पहले इनकम की बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं 2015-16-17-18-19। रेवेन्यू देखिएगा टोटल 5381 करोड़, 7293 करोड़, 9966 करोड़, 12744 करोड़, 18485 करोड़। कोई दिक्कत नहीं है टोटल रेवेन्यू में, लेकिन दिक्कत कहाँ आने वाली है इनकी? दिक्कत आने वाली है यहां पर FY 2020 में, जहां पर इसका रिजल्ट्स भी जरूर खराब आएगा, वो आप सभी को पता है। उसके बाद अगर इसकी नेट इनकम की बात करें 897 करोड़, 1278 करोड़,
1836 करोड़, 2496 करोड़, 3994 करोड़ ऑलवेज बढ़ा ही है। ठीक है, तो कुल मिला के देखें तो ये FY 2020 जो है बजाज फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये इसका वर्स्ट टाइम है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फाइनेंस कंपनी को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। वो तो नुकसान होने ही वाला था, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन जो ये 3 महीने की EMI का जो रीजन है उसकी वजह से ज्यादा इंपैक्ट आएगा। ठीक है, और अभी जो रिलीफ फंड आने वाला था वो बोला गया है ऐसा सोर्स के अकॉर्डिंग कि जब तक लॉकडाउन लिफ्ट नहीं होगा, लॉकडाउन को हटाएंगे नहीं, तब तक वो पैकेज नहीं आ सकता। तो उसके रीजन के कारण भी बजाज फाइनेंस में गिरावट आ रही है। अब ऊपर देखते हैं थोड़ा बहुत और बजाज फाइनेंस कंपनी के बारे में देखते हैं। हम पहले बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट देखिए आप इस कंपनी का। बैलेंस शीट्स में भी टोटल असेट्स देखें तो 1,24,232 करोड़ का है। फिर आप इसका होल्डिंग्स देखिए। होल्डिंग्स की बात अगर मैं करता हूं दिसंबर 2019 की, तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 56.15%, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बना रखी है 7.84%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी कि DI, लोकल इन्वेस्टर्स FIs यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अदर पार्टीज ने ये होल्डिंग्स बनाकर रखी है। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो लगभग देखें तो अच्छी है। ठीक है, नवंबर और दिसंबर में थोड़ी सी कम हुई है और यहाँ पर 58% थी जून और सेप्टेम्बर में, और यहाँ से बढ़ी थी दिसंबर 2018 और मार्च 2018 से तो और भी बढ़ गई थी। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की अगर मैं बात करता हूँ लगभग अब दिसंबर तक इस कंपनी का सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप देखिएगा इसमें सब कुछ अच्छा चल रहा है दिसंबर तक, लेकिन हमें मेन क्या देखना है अब देखते हैं हम चार्ट पर। चार्ट से पहले इसके अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे 10 साल के तो CAGR बहुत अच्छा है, 5 साल में कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल में भी इवन कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 1 साल में माइनस का 36.19 यहां पर दिक्कत आई है। और पिछले सेशन की अगर मैं बात करूं तो डिलीवरी परसेंटेज 31% का ही है, डिलीवरी परसेंटेज ज्यादा नहीं हुआ है और 9% के ऊपर ये स्टॉक गिर चुका है। अब चलते हैं चार्ट पर। तो बजाज फाइनेंस का आपको बिजनेस पता चल गया, गिरावट किस लिए हो रही है, गिरावट आपको पता पड़ गई कि सीधा सीधा बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस है वो काम है EMI देने का, लोन देने का, और जो इनकम होती है इंटरेस्ट से उनकी अर्निंग होती है, और उनका क्या हो गया है अभी EMI रुकने की वजह से कैश फ्लो रुक गया है, और EMI का पीरियड अगर बढ़ाया तो बजाज फाइनेंस के लिए और भी खराब कंडीशन आ सकती है। तो ये ओवरव्यू था बजाज फाइनेंस का। अब चलते हैं इसके लॉन्ग टर्म डाटा पर और बजाज फाइनेंस का देखते हैं। 1976 अभी क्लोजिंग है 1976 की। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज था जो कि अगर आप देखेंगे 2015 से लगभग देखें तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। इवन जो पर्पल कलर की लाइन है और जो 50 का मूविंग एवरेज है वो 2160 का है, यानी कि 2160 का लेवल जब टूटता है तो ये स्टॉक में और भी करेक्शन आ सकता है, और वैसा ही इस महीने के अंदर हुआ है। और जिस तरीके की कैंडल बनी है तो उसमें भी सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा दिख रहा है, और देखिए वॉल्यूम भी आप देखें रेड में है, बहुत अच्छी खासी सेलिंग हो रही है इस स्टॉक में। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इस महीने के अंदर अभी कितना है, 25/4/2020 आज की डेट है। इस हम मंथली चार्ट पर एनालिसिस करने, यानी कि ये महीने की कैंडल अभी बाकी है एंड होनी, अभी भी लगभग देखें तो कल 26 तारीख हो जाएगा और उसके बाद 4 दिन यानी कि लगभग थर्सडे का दिन आने वाला है, गुरुवार के दिन आपको क्लोजिंग बेसिस पर देखना है। ये स्टॉक अगर 2150 के ऊपर क्लोजिंग कर जाए, ठीक है, क्लोजिंग कर जाए फिर तो इस स्टॉक में रिकवरी आ सकती है, अदरवाइज इसी के नीचे रहता है तो इस स्टॉक में और भी करेक्शन आ सकता है, और उसके बाद ये स्टॉक यहां पर सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। कहां पर सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा लगभग आपको मैं बताऊं तो 1975 ये लेवल आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, बहुत ही क्रूशल लेवल है। अगर इस लेवल को अगर तोड़ा तो ये स्टॉक जा सकता है आपका नीचे। मैंने एक और सपोर्ट लाइन निकाल कर रख रखी है और वो लेवल है लगभग
1587 का, लगभग 1600 रुपए के आसपास में, जो कि आप सभी को बता रहे हैं कि 1600 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इस बेसिस पर बता रहे हैं कि 1600 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे हमें करना क्या है, ठीक है। 1600 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है अगर और भी करेक्शन आया। लेकिन आप ये याद रखिएगा, ये जो 1975 का लेवल है, ठीक है, 1975 का लेवल है, अगर मंडे को ओपनिंग होती है, अगर 1900 पर भी चला जाता है और उसके अगले दिन वापस 1920 पर आता है और उसके अगले दिन 1900 वापस 40 पर आ जाता है, और थर्सडे के दिन क्लोजिंग अगर यहां के ऊपर दे दे, कौन सा लेवल है 2160 के ऊपर, अगर 2170 की क्लोजिंग दे दे, तो आप लोगों के लिए अच्छा है कि ये स्टॉक वापस से आपको बाउंस बैक दे सकता है। अदरवाइज ये स्टॉक में पहला करेक्शन यहां पर है 1600 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो लगभग 1200 रुपए के आसपास ये स्टॉक आ सकता है, जो कि इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज लाइन है। और फिबोनाची के अकॉर्डिंग देखें तो भी, अगर देखें तो 1985 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये तो थे सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कि अगर यहां से नीचे गिरा तो लगभग यहां से देखें ये 1900 पे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले बताता हूं जिन लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है स्टॉक को, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लगभग देखें तो यहां पर भी बाय किया होगा, 3772 भी, 4900 अगर देखें, 4925 पर भी बाय किया होगा, तो इन लोगों को तो अच्छा खासा लॉस हो चुका होगा। तो आप लोग ये याद रखिए, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी आपने 2 महीने या 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप लोग तो स्टॉक को होल्ड रखिएगा। और अगर आपके पास सरप्लस पैसा अगर बचे तो ये 1900 रुपए के आसपास में आप लोग जरूर एंट्री कीजिएगा, इसमें बाय कीजिएगा। उसके बाद आपको लगभग मौका ढूंढना है कहां पर, 1500 से 1600 के बीच में मौका मिले तो वहां पर बाय करना है, ठीक है। तो आप लोगों को तो स्टॉक होल्ड करके रखना है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बजाज फाइनेंस बिल्कुल ही डूब जाएगा। जब भी वापस से मार्केट करेक्शन होगा और इस स्टॉक का बिजनेस वापस से इंप्रूव होगा तो ये स्टॉक देखिएगा आप तेजी से जिस तरीके से गिर रहा है उस तरीके से भागेगा भी। तो आपको रखना है अभी पेशेंस, ठीक है, पेशेंस रखना है। और ये जो लेवल है ना आपका 1900 से लगाकर ये 1200 का लेवल, ये बेस्ट जोन है आपका ज्यादा क्वांटिटी ऐड करने के लिए। और बेस्ट ज्यादा क्वांटिटी का मतलब ये भी नहीं कि हमारे काम का पैसा है वो लगा दिया, सिर्फ सरप्लस पैसा जो कि आपको कम से कम 4 से 5 साल के लिए जरूरत ना हो वो पैसा लगाइएगा, ठीक है। तो अभी इमरजेंसी फंड भी आपके पास रेडी होना चाहिए, तो उसमें से पैसा मत लगाइएगा, सरप्लस पैसा ही लगाइएगा। और जिनको फ्रेश एंट्री करनी है वो लोग अभी ये ना सोचें कि 1900 पर आ गया है तो एक साथ हम लगा दें 40-50 हजार रुपए, उनको भी अपने मनी को पार्ट में डिवाइड करना है। कम से कम 1 लाख रुपए अगर लगाने हैं तो एटलीस्ट उसको आप 5 पार्ट में तो जरूर डिवाइड कीजिएगा, या फिर इवन 10 पार्ट में भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1900 पर सपोज आया तो आपने 10 हजार रुपए लगा दिए, ठीक है, और उसके बाद फिर 1500-1600 के पास आया तो फिर 10 हजार लगा दिए। और फिर अगर स्टॉक वर्स्ट केस आता है, बहुत ज्यादा करेक्शन होता है, 1200 के आसपास आता है, तो फिर 10 हजार लगा दिए। तो इस तरीके की आपको मनी मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया फ्रेश एंट्री। और SIP जो बिल्कुल नॉर्मल, जिनके पास अमाउंट ज्यादा नहीं है, हम SIP करना चाहते हैं, कुछ भी मत कीजिए, आप अभी के लेवल से ही एक एक शेयर हर 8 से 9% या जैसा पिछले सेशन में गिरा है स्टॉक, आप एक एक शेयर बाय करते रहिए करेक्शन के साथ, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना कर देगा। और बजाज फाइनेंस कंपनी आप देखिएगा, जैसे ही मार्केट रिकवर होगा बहुत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन अभी बात है सिर्फ पेशेंस की। और आपको मैं एक बात बताऊं तो आप देखिए, जब स्टॉक 5000 रुपए का था तब आप लोग सब ज्यादा से ज्यादा बाय कर रहे थे, और मेरा अगर चैनल देखते तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि SIP में करें, क्योंकि ये स्टॉक हाई पर चल रहा है, SIP में बाय करेंगे तो क्या होगा, जब इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो क्वांटिटी ऐड करने का चांसेस ज्यादा रहेगा, तब आपको अमाउंट ऐड करने का चांसेस ज्यादा है।
तो ये तरीके से मनी मैनेजमेंट रखेंगे आप तो आपका पैसा लॉन्ग टर्म में जरूर बनेगा। तो बजाज फाइनेंस में अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो होल्ड करें, फ्रेश इन्वेस्टर जो हैं पार्ट में ही डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करें या फिर SIP करें, वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अभी सिचुएशन खराब है इसलिए बजाज फाइनेंस पर इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा रिटर्न ये कंपनी बनाकर दे सकती है। अगर आपको ये हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।